मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विकास पर्व के अंतर्गत योजनाओं का भूमि पूजन एवं लोकार्पण करने के लिए नौगांव पहुंचे, जहां उन्होंने बारिश के दौरान भी रोड शो किया। इस रोड शो में मुख्यमंत्री की एक झलक पाने के लिए विशाल जन समुदाय उमड़ा था। लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर फूल मालाओं से मुख्यमंत्री चौहान का स्वागत किया। मुख्यमंत्री चौहान ने नौगांव में नया बस स्टैंड और लाडली बहना पार्क बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नौगांव में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने तीन बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि नौगांव में नवीन बस स्टैंड की मांग मुझसे की गई है, मैं आपसे वादा करता हूं कि नौगांव में नवीन बस स्टैंड बनेगा। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि लोगों ने मुझसे नवीन पार्क की भी मांग की है, मैं एक लाडली बहना पार्क की घोषणा करता हूं। मेरी लाडली बहनों के लिए ये पार्क बनाया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री चौहान ने 50 बेड के जिला अस्पताल को 100 बेड का करने का वादा भी किया। तो नया बस स्टैंड बनाने के लिए जितनी राशि की जरूरत होगी मैं अभी स्वीकृत करूंगा। नवीन बस स्टैंड लोगों में शानदार बनाया जाएगा, तो एक सुंदर और शानदार पार्क लाडली बहना पार्क भी लोगों की धरती पर बनाने का काम किया जाएगा। 50 बेड का यह अस्पताल बना है, उसको भविष्य में बना के 100 बिस्तर का शानदार अस्पताल कर दिया जाएगा। एक तरफ हम विकास के काम करेंगे और दूसरी तरफ जनता के कल्याण का काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नौगांव वालों, आपका प्यार देखकर मैं धन्य हो गया हूं। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी और मैं ये भी जानता हूं आपको भी मेरी बहुत याद आ रही थी। दिल ने दिल की सुनी और मैं आपसे मिलने चला आया। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनकर सरकार नहीं चला रहा हूं, मैं तो आपका भाई और मामा बनकर सरकार चला रहा हूं। बहुत दिन नौगांव आए हो गए थे, नौगांव वालों मुझे आपकी याद आ रही थी, आपको मेरी याद आ रही थी कि नहीं? तो दिल ने दिल की सुनी, आपने पुकारा और हम चले आए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।